नमस्कार दोस्तों, देसी जीके टेक चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो भी इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं इम्पोर्टेंट कंट्रीज के बीच में, उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और वो भी एक मज़ेदार और फनी ट्रिक के साथ। अगर दोस्तों आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इस चैनल देसी जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस रेड बटन को दबाकर, और इस पास वाले बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों मैकमोहन लाइन किसके बीच में है, तो वह है इंडिया और चाइना के बीच में। तो इसकी ट्रिक देखो दोस्तों, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया भारत में क्यों आया, मेड इन चाइना की चीज़ों को बैन करने के लिए। तो अपना मैक से बनेगा अपना मैकमोहन, ठीक है दोस्तों, और मेक इन इंडिया और मेक इन चाइना से याद होगा कि ये इंडिया और चाइना के बीच में है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों, आप कभी भी कन्फ्यूज नहीं होंगे। आगे चलते हैं रेड क्लिफ लाइन, जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जैसे रिश्ते हैं, उनसे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को आपस में क्या है, खतरा है, ठीक है। तो अपने खतरे का साइन है अपना रेड, ठीक है, तो इससे बनेगा अपना रेड क्लिप। या फिर आप ऐसे समझो कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग आपस में मिलते तो एंग्री फील करते हैं, एंग्री का मतलब लाल हो जाते हैं, तो लाल से भी हमें याद आएगा कि रेड, तो रेड से याद आएगा अपना रेड क्लिप। आगे चलते हैं दोस्तों, पहले दोस्तों ट्रिक देख लेते हैं। फोन से उसका का कान खराब हुआ, फिर उसे मेडिसिन दी गई। फ़ोन चलाते हैं तो किसी का भी कान खराब हो सकता है, इसी प्रकार उसा का भी कान खराब हो गया और बाद में उसे मेडिसिन दी गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी दो लाइंस बनेगी, एक तो 49th पैरेलल और दूसरी है मेडिसिन लाइन, ठीक है, जो कि दोनों यूएसए और कनाडा के बीच में। अब आप इस ट्रिक को समझेंगे, फोन से हमें बनेगा फॉर, से बनेगा अपना फॉर, ना से बनेगा अपना नाइन, यानी कि 49 पैरेलल लाइन है जो यूएसए एंड कनाडा के बीच में है, और उसा से बनेगा अपना यूएसए और कान से बनेगा अपना कनाडा, और बाद में उसे मेडिसिन दी गई, मेडिसिन से बनेगा अपना मेडिसिन लाइन। तो इस प्रकार से देखें तो 49th पैरेलल एंड मेडिसिन लाइन दोनों यूएस एंड कनाडा के बीच में हैं। अब इस ट्रिक को देखते हैं दोस्तों, हिडनबर्ग लाइन है जो जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में है। अब देखो दोस्तों इस इमेज को, अब कोई भी अपना मनी यानी कि खजाना है जो जमीन के नीचे डालता है, ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार उसने एक साइन लगा दिया कि एक पॉल के नीचे खजाना गड़ा हुआ है। ये अपनी पॉल हो गई, ये अपनी लैंड हो गई, और लैंड के नीचे क्या है, मनी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना मनी से बनेगा अपना जर्मनी, और ये कैसा मनी, हिडन मनी, ठीक है, यानी कि छुपा हुआ धन। तो अपना हिडन से बनेगा अपना हिडनबर्ग, मनी से बनेगा अपना जर्मनी, और पॉल और लैंड से बनेगा अपना पोलैंड, ठीक है दोस्तों। बस आपको इमेज याद रखनी है, बाकी ऑटोमेटिक से आपको याद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, मैगी नॉट लाइन है जो जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में है। तो ट्रिक को देखो दोस्तों, मैगी नॉट यानी कि मैगी नहीं मिलेगी, पहले क्या करना पड़ेगा, मैगी पाने के लिए मनी देना पड़ेगा और फिर उसे फ्राई करना पड़ेगा, ठीक है, तो बाद में ही मैगी मिलेगी। तो मैगी नहीं मिलेगी, तो मैगी नहीं से मिलेगा अपना मैगी नॉट, और मनी से बनेगा अपना वापस से जर्मनी, फ्राई से बनेगा अपना फ्रांस। तो इस प्रकार से आपको याद होगा कि मैगी नॉट लाइन है जो जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में है। 38 पैरेलल लाइन, ठीक है, जो कि उत्तरी कोरिया एंड दक्षिणी कोरिया के बीच में है। तो अगर हम 1 से लगा के 10 तक गिनती लिखे, ठीक है, तो अपना नॉर्थ में थर्ड नंबर पे आएगा 3, और नीचे से थर्ड नंबर पे आएगा 8, ठीक है। तो इस प्रकार से बात की जाए तो नॉर्थ से आएगा 3 और साउथ से आएगा 8, ठीक है। अगर बात की जाए 3 तो इसका आकार भी ऊ जैसा है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद भी आ जाएगा कि उत्तरी कोरिया, ठीक है। तब दोनों को मिक्स करेंगे, नॉर्थ और साउथ से बनेगा अपना उत्तरी कोरिया एंड दक्षिणी कोरिया, और 38 से बनेगा अपना 38 पैरेलल लाइन। अब इस ट्रिक को देखते हैं दोस्तों, डुरुन लाइन है जो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में है, और मैनरहिम लाइन है जो रूस एंड फिनलैंड के बीच में है। तो इसकी ट्रिक है, दूर से एक पाक अप्सरा आ रही थी, पाक मतलब साफ सुथरी, ठीक है, दूर से एक पाक अप्सरा आ रही थी, मैंने उसका नाम रूफी रख दिया। अब दूर से बनेगा अपना डुरुन लाइन, और पाक से बनेगा अपना पाकिस्तान, और अप्सरा के अफ से बनेगा अपना अफगानिस्तान, ठीक है दोस्तों। अब मैने से बनेगा अपना मैन रहीम, और रूस से बनेगा अपना रूस, फी से बनेगा अपना फिनलैंड। कुल मिला के इस इमेज को ध्यान दो, दूर से एक अप्सरा आ रही है और मैंने उसका नाम क्या रखा, रूफी, क्या रखा, रूफी। इस प्रकार से कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये इमेज आपको याद आएगी, तो इस प्रकार से आपको ये ट्रिक भी याद आ जाएगी। अगर दोस्तों आप चाहते हैं इस पूरी वीडियो को आपको पीडीएफ मिले, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी थी, और इसे शेयर करना ना भूले, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।